हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रफू अग्रवाल। आप देख रहे हैं HBC मूवीज। आज हम बात करने वाले हैं टी सीरीज द्वारा 28 फरवरी को आने वाली मूवी थप्पड़ के बारे में। मैं नहीं जाना। व्हाट्स द रियल स्टोरी? हिज फैमिली? नो। ही इज हैविंग एन अफेयर? नो। यू आर हैविंग एन अफेयर? नो। सो जस्ट वन स्लैप देन। बस यही सुनना रह गया था, बेटी डाइवोर्स करेगी। जाने दे बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए औरतों को। हर रिश्ता फ्लॉड होता है, उसे जोड़ के रखना पड़ता है। जोड़ के रखनी पड़े कोई चीज तो मतलब टूटी हुई है ना। तो आपने कुछ तेरे के नजारे देखे, इससे ये दिखता है कि ये मूवी होने वाली है एज ए रॉक क्राइम पे, यानी कि ये जो महिला है इसे इसका पति किसी पार्टी में कोई थप्पड़ मार देता है और बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करता है। उसे का बदला लेने के लिए वो कोर्ट में केस करती है और इन सभी एक्टिविटीज पे मूवी होने वाली है। वहाँ उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई उसे हर जगह उसे दबाया जाता है कि तुम्हें महिला हो, समाज द्वारा दबाव मिलता है, माता पिता द्वारा दबाव मिलता है कि तुम्हें इस सब सहना पड़ता है, तुम्हें महिला हो। इन सभी चीज़ों को ही समाज की बाधाओं को पार करते हुए ये केस लड़ा जाता है। इसी बेस पे ही मूवी बनी है थप्पड़। और जैसा कि मैंने कहा, तीसरी सी मूवी को डाला है और ये मूवी अगर एक अच्छी मूवी हो सकती है अगर आपको इस टाइप की सोशल मूवी पसंद है तो। पर इस मूवी में हमें कुछ लव सीन में शुरुआत में नज़र आ सकते हैं, पर आफ्टर मैरिज ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें हमें दो पार नज़र आएंगे, एक बिफोर मैरिज एंड एक आफ्टर मैरिज। तो बिफोर मैरिज में हमें सेम सीन नज़र आ सकते हैं, पर आफ्टर मैरिज सीन में नज़र नहीं आएंगे। हालांकि इनकी संभावना कम ही है क्योंकि इसका बेस कोर्ट है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें नज़र संभव नहीं आने वाली है। पर कुल मिला के ये सोशल एक्टिविटी पर मूवी है और एक संघर्ष पर मूवी है। ये मूवी उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो हिम्मत हार चुके हैं या जो समाज के दबाव में अभी भी अपने आप को सह रहे हैं, तो उन्हें ये बढ़ावा दे सकती है मूवी। तो फ्रेंड, अगर ये मूवी आपको देखने की इच्छा है तो 28 फरवरी को आने वाली है, आप देख सकते हैं हमें थिएटर्स में। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।